अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद है सब खैर से होंगे। तो ये जो हम रेप्लिका बाइक है जिसके ऊपर हमने फ्रंट बैक पे फैट टायर लगाया और इंजन इसमें 200 cc का फिटिंग किया, इसकी जो है फेयरिंग फिटिंग भी शुरू हो गई है, वो दिखाते हैं आपको। तो इंशाल्लाह ये कुछ दिनों में ये कम्प्लीट हो जाएगी, फिर इसको पेंट के लिए देंगे। पिछली वीडियो में आप लोगों को दिखाया था कि इसका जो है फैट टायर फिटिंग किया था बैक के ऊपर कावासाकी ZX10R का, ठीक है। और फ्रंट के ऊपर भी आप देख लेते हैं, इन्वर्टर शॉक है, इसके शाखों का जो रॉड है ये ब्लैक क्रोम हुआ इनके ऊपर, ठीक है। मरगाड़ की अभी फिटिंग बनने वाली है और उसके बाद फ्रंट नोज जो है ये फिटिंग हो चुकी है। हेडलाइटें हमने इसके अंदर जेनमेंट लगाई हैं, वाइजर भी अभी हमने जेनमेंट लगाना है, ये वैसे हमने रख के देखा है पोजिशन वगैरह इसकी। और डिजिटल मीटर ये वाला नहीं लगना, इसके ऊपर हमने चेंज करना मीटर, ये वैसे हमने रखा हुआ। अभी टैंक कवर जो है अभी ये फिटिंग हो गया, टेल की जो फिटिंग वो भी हमने कर दी हुई है देख सकते हैं। और टेल लाइट इसके अंदर हमने जेनमेंट ही लगाई है, ये जो इसके गैप हैं ये बाद में जब पेंट के लिए देंगे उससे पहले इसको कवर करेंगे। और मोनोशॉक ये भी फिटिंग हो चुका है, वर्किंग भी आपको चेक करवाई थी इसकी, बहुत ज़बरदस्त है सस्पेंशन पीछे वाले शॉक की। इंजन की फिटिंग बिल्कुल कंप्लीट है। काफ़ी दोस्तों ने पूछा था कि ये जो ब्लैक कवर इसके ऊपर लगा होता है ये किस लिए, उसका मैं बता दूँ आपको कि ये वाली जो जगह, ठीक है, ये देख सकते आप, ये इसके अंदर यहाँ पे पंखा लगा होता है, ठीक है, जो यहाँ से हवा खींचता है, ठीक है, और इसके अंदर से जाती है और पूरे हेड के अंदर से घूम के हेड को ठंडा करती है हवा, मतलब कि इसके अंदर से गुजरती है और यहाँ से जो है ये निकल जाती है इस जगह से, ये इस साइड पे इन्होंने सुराख बनाया हुआ, इस साइड से निकल जाती है। तो ये इसका पंखे का काम ये है कि ये इंजन को जो है ना ठंडा रखता है। अक्सर इंजन होते हैं वो ट्रैफिक में जब बाइकें खड़ी करते हैं तो इंजन गर्म हो जाते हैं, जब चलती हवा लगती तो भी ठंडे होते हैं, ये खड़ी भी रहे तो फिर भी इंजन को हवा मिलती रहती है, ये सीन होता है इनका, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसके जो है ना फोटोस वगैरह फिटिंग शिटिंग करेंगे। अब फेयरिंग की फिटिंग अभी ये हो गई है, टेल फिटिंग हो गई है, टैंक कवर फिटिंग हो, फ्रंट डोर फिटिंग हो गया। नेक्स्ट पार्ट में इसके जो है ना ये फोटोस वगैरह फिटिंग करेंगे और फिर बाद में इसका एक फ्रेम बनेगा इस जगह पे, क्योंकि टैंकी आप देख सकते हैं इसका फ्रेम जो है ना वो बहुत नीचे है और ये टैंकी मतलब फ्रेम अंदर की तरफ और टैंकी बाहर की तरफ है, तो इसके साथ साथ जो एक फ्रेम हम तैयार करेंगे जो टैंकी के हिसाब से बनेगा, ठीक है। ये वाली जो फालतू चीज़ें हैं ये कटिंग हो जाएंगी, फोटर्स पहले यहाँ पे लगे हुए थे पीछे वाले तो हम यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि बाइक की लेंथ छोटी थी तो ये देख सकते आप हमने इतने पाइप जो इसमें एक्स्ट्रा लगाए, इसका फ्रेम सिर्फ यहीं तक आ रहा था, ठीक है। तो अभी जो साइज़ बन गया समझ लगे YamahR6 का जो ओरिजिनल साइज़ होता है वो वाला साइज़ ही बन गया इसका, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर रहें तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। हमारे चैनल पे बाइक मॉडिफाई के हवाले से वीडियो अपलोड होती रहती है, हर तरह की बाइक मॉडिफाई करते हैं हम, 125 cc से लेकर 1300 cc तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।